आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में कांग्रेस का घर घर आरोग्य जांच कार्यक्रम। राज्य में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के आदेश अनुसार कर्नाटक राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना से लड़ने के लिए आरोग्य हस्त कार्यक्रम की शुरुआत कर विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करते हुए उनके आरोग्य की जांच की जा रही है, जिसके चलते आज बीजापुर मतक्षेत्र के वार्ड नंबर 24 दरिया पीर मस्जिद के करीब बागायत गली में कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ के नेतृत्व में एक्स कारपोरेटर जमीर बांगी के सहयोग से आरोग्य हस्त कार्यक्रम के तहत कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर उनके आरोग्य की जांच की गई। इस अवसर पर बीजापुर नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जमीर बख्शी, एक्स कारपोरेटर रज्जाक वर्ती, बीजापुर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल खादर, इदरुस बख्शी, वसंत होनमोड़े, निरावन शट्टी, अयुब बांगी के अलावा और भी लोग थे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 24 में कांग्रेस हस्त चालने जमीर बांगियों को मेंबर साहब को चालने देने आए हैं। ये केंद्र सरकार राज्य सरकार स्टार्टिंग को 5 जब पूरा गांव बंद कर को इधर ही चेक 10-12 गलियां उनको बाहर दवा खाने को छोड़ो आटा पिसा लाने भी आने नहीं दे रहे थे। गली गली में कांटे लगाना, उनको बाहर जाना नहीं। हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुछ है, तुमना रहे तो भी खाने तुम्हारा तुमना खाने नहीं दी सरकार। सब मिला को 10 आते हैं। अब डेली 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं बीजापुर को, पूरे कर्नाटक की बात अलग है। उन्हों तुम्हारी जान तुम्हें बचा लो कर को हमारे रामलो मिनिस्टर निम निम जीवा निम कया ले अदा कह उनके हाथ से नहीं हुआ करने का। सरकार फेल सरकार है येडियुरप्पा की और मोदी सरकार। उन्हों तुम्हें 1 आया तो किसे मिला, कितने जने मिला, कहाँ कहाँ मिला, किसकी मैयत को गए का तो कितने जने आए थे। एक लेख पकड़ को 100 जने का नामा ले को उनके घर से रात में ला को क्वारंटाइन करना हो गया। अब तुम्हें तुम्हारे घर में तो कर लो, तुम्हें कहाँ रहते रहो। पेशेंट आया तो अभी उन्हें बाजार में फिराया तो भी पूछते नहीं आप। सरकार क्या ऐसी क्या करने नहीं आया, हमारी जान हमें खुद बचा लेने का। मांस भाले को दूरी कायम रखो, हाथ बारे बार धो को, ये बीमारी है चे, ये वायरस है नहीं है कर को नहीं, ये बीमारी दम्मा चेस वाले को बहुत शुगर वाले वाले की जानी ची लेती है। हमारी जान हमें बचा लेना। मांस बनले को दूर बहुत लग लग को बैठना नहीं, बहुत बीमार है चेस वाले पास भी मिलो ना को, उसे दवा खाने को ले को आओ। मैं अल्लामीन में कर रहे हैं सरकार दवा खाने में भी हमने 2 डॉक्टर को दिए, उनको हमें मेंबर साहब को बोले तो हमें वहाँ व्यवस्था कराते हैं। क्या इसे डरने का नहीं, बीमारी है, खंग सर्दी बुखार आती चे। सर्दी तो हर महीना आती है, अब ठंड दिन में ज़्यादा आती है। उसे बहुत हमें डर को बड़े दवा खाने को गए, बड़े बड़े दवा खाने गए 30,000 और बहुत पैसे वाले दिखे तो उन्होंने वहाँ से रख लेते हैं। तुम्हारा जान प्यारी है क्या नहीं कहते हैं। से डरो ना को, आज आरोग्य हस्त में चालने दिए, थोड़ा हमारे घर घर का आते हैं क्या बहुत नहीं है। आप बोले वार्ती साहब इतना मार चेक करते हैं, लिख लेते हैं क्या भी नहीं, क्या भी हुआ तो करते हैं मेंबर साहब साथ में आको, नहीं तो नहीं। हमारी जान हमें बचा लेने का है, सरकार तो क्या कर रही नहीं। आओ जमीर मांगे साहब। सलाम नमस्ते। आज आरोग्य हस्त प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए हमारे कांग्रेस के लीडर 2018 के उम्मीदवार कांग्रेस के अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब, इस स्टेज पे मौजूद अब्दुल रजाक भरती साहब, मलियनगुड़ी जमात के चेयरमैन निरवन शेट्टी साहब, मुस्लिम जमात के चेयरमैन अयूब बांगी साहब, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जमीर बख्शी साहब, वसंत होनमोड़े साहब, इदरुस बख्शी साहब, खादिम साहब, आए हुए दिगर मेहमान सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे डीके शिव कुमार साहब स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के,
उनके आदेश के हिसाब से हमीद मुशरिफ के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये कांग्रेस का कार्यक्रम करने का मतलब क्या है अगर बोले तो, जब दो कोविड-19 की जब बीमारी चालू हुई, वो बीमारी चालू होने के टाइम पे सही वक्त पे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, नए-नए जगह लॉकडाउन करे, नए-नए जगह ये करे, जहाँ करना था वहाँ नहीं करे, नहीं करना था वहाँ लॉकडाउन करे। इसका मतलब एक जब पेशेंट निकलता था तो पूरी गली सील डाउन करते थे, आज दुनिया के पेशेंट निकल रहे हैं तो कुछ कोई करने वाला पता नहीं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट और येडियुरप्पा गवर्नमेंट पूरा फिलअप हुई है। इसके लिए हम कांग्रेस वाले रोडों पर निकले हैं लोगों का साथ देने के लिए, सबका चेकअप करने के लिए। अगर किसी को पल्स चेक करेंगे और उनका बुखार चेक करके, टेम्परेचर चेक करके उनको ले जाके अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें सीधा सिटी हॉस्पिटल में हमें सामने ठहर को दिखाएंगे। ये बीमारी कोई से डरने की बीमारी नहीं है, ये बीमारी खाली आदमी इंसान जो छाती पोड़ ले को खलास हुए, अभी तक बीमारी को खलास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अंदर थोड़ी डॉक्टरों की यह है और हमारी भी थोड़ी गलती क्या है कर बोले तो, हमें थोड़ा इसे मेंटेन नहीं रख सके स्टार्टिंग में, क्यों कर बोले तो इसे दूरी रखना बहुत ज़रूरी था, मास्क सैनिटाइज़र ये थोड़ा आगे पीछे होने से लोगों को नई बीमारी आने से मालूम नहीं पड़ा। इसके लिए थोड़ा तकलीफ ही, इसके अंदर गवर्नमेंट का कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला, नहीं मिलने की वजह से आज कांग्रेस वाले जीके शिवकुमार साहब एक आदेश करें, जहाँ जहाँ जाओ घर घर जाओ को सबका ये चेकअप करो, जिसे बीमारी है उसे ले जाकर एडमिट कराओ को, तुम्हें सामने ठहर को इलाज कराओ। ये इलाज कराने के लिए हमें हमीद मुशरिफ साहब के नेतृत्व में हम तैयार हैं। ऐसे भी तो आलमीन के अंदर हमीद मुशरिफ साहब 200 बेड का हॉस्पिटल खोल चुके हैं, उनकी टीम लेके, उनकी एक दो चार जने की टीम लेके उन्होंने एक आज का मुहिम चलाए हैं, उसमें भी लोगों का इलाज हो रहा है, चाहे तो वहीं भी कराएंगे चाहे तो सिविल में कराएंगे, बट कराने के लिए हमें तैयार हैं। लोगों का हमारा कोऑपरेट चाहिए, हमारा साथ चाहिए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने आओ सीधा चेक करा को ये करेंगे। इतना कहते हुए मेरी दो बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज वार्ड नंबर 24 में जमीर भांगी साहब के नेतृत्व में आरोग्य हस्त के चालने के लिए आए हुए हमारे मेहमान, आप सब के चाहते कांग्रेस पार्टी के MLA हमीद मुशरिफ साहब, युवा नेता ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जमीर बख्शी साहब, यहाँ के बुजुर्ग दमिकर साहब, अयूब बांगी साहब, वसंत होनवाड़े साहब, मेरे भाई इदरूस बख्शी साहब, खादिम साहब, यहाँ के बुज़ुर्ग और दोस्तों और भाइयों, आप सबको मालूम है कि पिछले 6-7 महीनों से कोविड-19 का जो मामला चला है, जो महामारी बीमारी है, इस बीमारी को स्टार्टिंग में जिस तरह से आप लोगों ने जाना, 1-2-4 आदमी होने के बाद पूरा शहर लॉकडाउन किया, उसी तरह स्टेट लॉकडाउन किया, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूरा देश लॉकडाउन किया। इसका मतलब ये है कि ये लोगों को जब ट्रंप आया यहाँ पे, आने के बाद बीमारी छोड़ को गया, उसके लिए लाख लोगों को इकट्ठा किया, ये फेल्यूर काम जो भी किया है वो मोदी सरकार ने किया और मोदी खुद किया है। तो ये जब सरकारों ने जब कोशिश की, इनके हाथ से काम नहीं हुआ, नहीं होने की वजह से ये लोग हाथ उठाए सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, हमसे कुछ नहीं होगा, आपकी जान आप खुद बचा लें। जबकि पहले एक आदमी को होता तो उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ली जाती थी, उन लोगों को सबको क्वारंटाइन किया जाता था, उन लोगों के माध्यम से उनको हरासमेंट किया जाता था, मगर आज वो वक्त नहीं रहा। आज कम से कम 60-65 लाख लोगों को देश में हमारी पुरानी बीमारी हो गई है, तो इस बीमारी का इलाज करने के लिए सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। जहाँ बेड नहीं है वहाँ पर पेशेंट ये हो रहे हैं, जहाँ बेड हैं वहाँ पेशेंट को आने नहीं दे रहे। इस तरह का अगर मामला होने लगे तो सरकार ने जिस तरह से जो लोगों को हरासमेंट किया, उसको मद्देनज़र रखते हुए KPCC के अध्यक्ष सन्मान्य श्री DK शिवकुमार साहब ये कह दिया कि जब हिंदुस्तान में BJP सरकार ने हाथ छोड़ा है तो हम आरोग्य हस्त के माध्यम से हम उन लोगों का हाथ पकड़ेंगे। तो ये हाथ पकड़ने के लिए आरोग्य हस्त का इसे नाम रखा गया। तो ये कह दिया गया कि पूरे शहर में नहीं, पूरे बीजापुर में नहीं, पूरे वार्ड में हर एक गली गली में जाकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो लीडर हैं, हमारे नेता हैं, उनको लेते हुए ये काम करना जरूरी है। इसलिए आज हमने आपके माध्यम में आपके बीच में आए हैं। तो ये कहना जरूरी है कि आप जानते हैं कि पिछले 5-6 महीनों में अलमीन मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती लेना बहुत मुश्किल हो गया था। हम जाके हमारी कांग्रेस टीम जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पर 70 बेडों का हमने ये मिला, लगभग 350 लोगों को हमने आराम किया सिर्फ 2000 में, बल्कि एक दिन के लिए 2000 ऑक्सीजन के साथ 2000 रुपये में उनको आराम करके भेज दिए।
तो इससे दूसरे हॉस्पिटलों में देखा जाए तो 10,000, 20,000, 30,000 ले रहे हैं। तो ये मामला हमारे लोगों को, यहाँ के हिंदू को, यहाँ के मुसलमान को, यहाँ के सिख को, ये गरीब जो तबका है, जो काज जब कोई जात बात नहीं बनती, तो इन लोगों के लिए वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके आराम कर दिए हैं। तो आज हम आपके वार्ड में इसलिए आए हैं कि आपके वार्ड में आपको ये घबराहट, ये टीवी के माध्यम से जो डर बिठाएं, वो डर को निकालना है। ये बीमारी वायरस है, इससे जानलेवा नहीं है। इसे वायरस को इम्यूनिटी पावर जब तक तुम्हारे हाथ में है, इसे अटैक नहीं होता। जब तक इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इसलिए अब सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी पावर होना जरूरी है। साथ ही साथ वायरस अगर ना आए तो हमें मास्क का रखना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का रखना जरूरी है, सैनिटाइजर का रखना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी ऐसे ऐसे ट्रांसफर होने वाली नहीं है। तुम्हारा जब तक थूक नहीं उछलता, जब तक तुम्हारा इसे कोई छींकने के बाद ये नहीं आता, तब तक ये बीमारी नहीं आती। इसलिए सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपके मकान में आएंगे तो आपको यहाँ चेक करने के लिए बहुत इंजेक्शन गोली दवाई नहीं देंगे। आपको सैचुरेट चेक किया जाएगा, आपके सैचुरेट इस तरह से चेक करा जाएगा एक फुट की दूरी पर, और उसका पल्स चेक करा जाएगा। इस माध्यम से एक पल्स चेक किया जाता है। अगर इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपके लोकल एरिया में डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर को दिखाकर वो आराम कर सकते हैं। अगर ऐसी सूरत में कुछ तकलीफ ज़्यादा है तो आपके नेता जमीर मेहर साहब जो हैं हमारे, आपकी बहुत खिदमत कर चुके हैं, तो उनके नेतृत्व में उनको बोल दिए तो हमें सब मिला के अल्लामीन में उनको एडमिट करा के उन लोगों का इलाज कराएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का हस्त है। कांग्रेस पार्टी जब हाथ पकड़ती है तो किसी को छोड़ती नहीं। तो इसलिए आपको भी अपना हाथ कांग्रेस के साथ मिलाना है। और इस कार्यक्रम को जो भी हमारे वॉरियर्स आएंगे, ये कपड़े देखो लोग मर रहे हैं, दवाखाने में जाने के बाद एम आई सर का हो रहा है उनको समझना को, तो ये लोगों को ये डर उड़ाने के लिए हम ये कपड़े पहले को हमारे अपने मोहल्ले के आदमी आपके साथ में रख रहे हैं कि जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आपको बीमारी का इलाज नहीं होता। आप डरना छोड़ दें तो बीमारी का इलाज हो जाता है। इसलिए आप मेहरबानी करें, ये जो आपके मकान को हर घर घर को आएंगे तो आप कोऑपरेट करें, आप उनका फ़ायदा उठाएं। अगर किसी सूरत में आपको तकलीफ है तो हमें इतला कीजिए, हम आके आपकी मदद करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जो आज एक चीज़ आपको बताना जरूरी समझता हूँ आप लोगों को, बहुत से हमारे पार्टी में भी बहुत से नेता हैं, बहुत से अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बने, मगर आज तक कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं बना जो हर एरिया में जाकर ऑर्गेनाइज करे सरकार। आज हमें फ़ख्र होता है कि जमीर बख्शी ने जिस तरह से काम किया, हर एरिया में जाके जो ब्लॉक का काम करके, जो ब्लॉक अध्यक्ष किसे कहते हैं वो बताए, ये काम उनका है। उनको सबके जानिब से, आप लोगों के माध्यम से, आप उनका मैं शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूँ। और जो बीजापुर के MLA हैं, वो MLA जो काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं हर एरिया में जो तकादनी है, जिस तरह से रोड कटे हुए हैं, मगर वो एक दिन भी कोविड के माध्यम से कहीं बात करने नहीं आए। उनकी ताकत नहीं, क्योंकि वो खुद पे कोविड है, वो खुद कोविड के बीमार हैं। और अपने गवर्नमेंट में आपे वो गुहार लगा रहे हैं कि मेरे को 3,85,000 रुपये बिल हुआ। तो जब आप एक MLA अपने गवर्नमेंट के खिलाफ लगा, तो ये गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट कितनी फेल्यूर है। इसलिए ऐसे वक्त में, जो बुरे वक्त में हमारा काम आता है, जो हमीद मुशरफ सरकार नेता जो होता है आपके बुरे काम में आता है, तो ये नेता को हमें पकड़ना है। ये नेता को आने वाले दिनों में इनको और भरपूर ताकत देकर इन लोगों से हमें काम लेना ये जरूरी है। इनको हमें आने वाले दिनों में इनको फिर एक बार हमें चुन के लगा के हमारे एरिया का, बीजापुर शहर का सौंदर्य बनाने के लिए काम करने के लिए हम कोशिश करना ये भी जरूरी है। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग दुआ करें, और कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को ये बीमारी ना आए, उनके हक में दुआ करें। पूरे हिंदुस्तान से COVID-19 चले जाएँ और हम सब आराम से और अच्छे रहें। इतना कहते हुए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी दो बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।